नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। यूपी एटीएस ने आतंकी मिनास के पास से बरामद की ज्वायरी। एटीएस को कोडिंग भाषा में मिली कई अहम जानकारी। आतंकियों के निशाने पर थे यूपी और बिहार के मजदूर। चौदह दिनों की पुलिस रिमांड में भेजे गए लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के दोनों संदिग्ध आतंकी उससे पूछताछ में हो सकता है और बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एटीएस ने बिल्डर समेत दो युवकों को और उठाया। बिल्डर के कई खातों में विदेशों से आया पैसा। सात लोग शहर से पूछताछ के लिए उठाए गए। फ्लैट खरीदने के नाम से आया था पैसा। दर्जनों प्री एक्टिवेटेड सीम मुहैया कराने की आशंका। ईडी भी अब बिल्डर के अकाउंट की कर सकती है जांच। दासनगरी में आतंकी अलर्ट जारी। आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस संदिग्धों से कर रही पूछताछ। रेलवे स्टेशन पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलकायदा के दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से महाराजगंज से जुड़ी भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोनोली सीमा पर एसएसपी और पुलिस की संयुक्त टीम सीमा से गुजरने वाले लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी के दौरे पर पहले काशी पहुंचे सीएम योगी। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। सीएम ने काशी में विकास कार्यों की समीक्षा की। पीएम के वाराणसी दौरे के लिए तैयारियां पूरी। बीएचयू परिसर छावनी में हुआ तब्दील। पीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग का हुआ ट्रायल। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी ने रचा इतिहास। एक दिन में कोरोना के सिर्फ 59 के 43 जिलों में नहीं मिला कोरोना का एक भी संक्रमित। अलीगढ़, ललितपुर और श्रावस्ती कोरोना मुक्त। सीतापुर जेल पहुंचे सपा नेता आजम खान। 9 मई को हुए थे कोरोना संक्रमित। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। 64 दिनों बाद वापस सीतापुर जेल पहुंचे। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम ने खिलाड़ियों से कहा, पूरा भारत आपके साथ। पीएम मोदी ने सलाह देते हुए कहा कि ओलंपिक में अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं, आपको निर्भीक होकर खेलने की जरूरत है। पीएम ने हिल स्टेशन पर उमड़ी भीड़ पर जताई चिंता। का तीसरी लहर को रोकने के लिए मस्ती पर लगाना होगा विराम। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर पूर्वोत्तर के राज्य जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। पीएम ने कहा कि हमें कोरोना के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी। ये बहुरूपिया है और बार बार अपना रंग बदलता है। मेरठ बीजेपी विधायक संगीत सोम का बयान, दो बच्चों से ज्यादा जो करे उसे जेल में डाल देना चाहिए। आला से बच्चे छोड़कर देश की तरक्की और विकास मांगे। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बयान में कहा, प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रही है बड़ी जनसंख्या। साथ ही कहा, पूरे देश में खासतौर से यूपी में जनसंख्या कानून की सबसे ज्यादा जरूरत। दारुल उलूम देवबंद के प्रेस प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने जनसंख्या वृद्धि कानून का कड़े शब्दों में विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और उन बच्चों की क्या गलती है जिनको सरकारी योजनाओं से दूर रखा जाएगा। प्रियंका गांधी के लखनऊ कार्यक्रम में बदलाव। 14 जुलाई की बजाय अब 16 जुलाई को आएंगी लखनऊ। अब 16 जुलाई को लखनऊ आएंगी प्रियंका गांधी। कोविड की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी चेतावनी। राज्य केंद्र सरकार से सावधान रहने की अपील। तीसरी लहर का आना तय। पूर्व सपा एमएलए राम प्रताप सिंह के बिगड़े बोल। पुलिसकर्मियों को लेकर दिया बेतुका बयान। समाजवादी सरकार बनने पर दी रौब जमाने की धमकी। पूर्व एमएलए की धमकी का वीडियो वायरल।
चित्रकूट में संघ की महाबैठक का आखिरी दिन आज आरएसएस के कामकाज के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएल संतोष हो सकते हैं शामिल। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, हर्ष फायरिंग मामले में मामला दर्ज, सपा ने कहा आरोपी की तलाश जारी, युवक खुलेआम कर रहे थे हर्ष फायरिंग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लेंगे बैठक, पंचायत चुनाव से हुई हार की करेंगे समीक्षा। एलडी में आज होगी कमर्शियल संपत्ति की नीलामी, गोमती नगर सहित तमाम योजनाओं की दुकानों और सीपी की होगी नीलामी, चंदन हॉस्पिटल विवाद वाला प्लॉट भी कल होगी नीलामी। एलडी के वीसी अभिषेक प्रकाश ने की बैठक, बैठक में शारदा नगर योजना में पीएम आवास योजना की समीक्षा, काम में देरी करने पर मेसर्स प्रताप हाइट को दिया नोटिस। एलडीए में रजिस्ट्री शिविर में 18 आवंटी पंजीकृत, रजिस्ट्री में वंचित रहे आवंटियों के लिए लगा शिविर, एलडीए में रजिस्ट्री शिविर में पहुंच रहे आवंटी। कल्याण सिंह का मेडिकल बुलेटिन जारी, पीजीआई ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत में सुधार, लखनऊ पीजीआई में भर्ती हुए कल्याण सिंह। नाव में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 5 युवकों में से 2 की मौत, 3 युवक गंभीर रूप से घायल, तीनों को जिला अस्पताल में किया भर्ती। फिरोजाबाद में बस ने बाइक सवारों को रौंदा, 1 युवक और 2 महिलाओं की हुई मौत, घायल बच्चों की हालत गंभीर। अब यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में लगेंगे हेल्थ एटीएम, बिना पैसे खर्च किए हो सकेगी 69 तरह की जांच और लोगों को ओपीडी जैसी मिलेगी सुविधा। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 1 घायल, वाराणसी से जौनपुर लौट रहे थे कार सवार लोग। फिरोजाबाद में गोली लगने से 2 भाइयों की मौत, 1 भाई ने पहले दूसरे को मारी गोली फिर खुद को भी मारी गोली, 1 ही मौके पर हुई मौत, दूसरे की इलाज के दौरान। आगरा किसान के घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना, घर में रखी अलमारी से 5 लाख के जेवर और 25,000 नगद ले गए चोर, पूरे परिवार को चोरी ने कुंडी लगाकर किया था कैद। गाजियाबाद में नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा, हाउस टैक्स में बढ़ोतरी पर हुआ हंगामा, हाउस टैक्स में 15% की थी बढ़ोतरी। गाजियाबाद में जश्न के दौरान युवक ने जमकर की हवाई फायरिंग, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी, लोनी का आरोपी पहले भी फायरिंग के मामले में जा चुका है जेल। बुलंदशहर में युवती को जिंदा छुड़ाने का मामला आया सामने, दिल्ली में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत, पड़ोसी ने पीड़िता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। देवरिया में सांप के काटने से युवक की मौत, युवक को ले गए थे जिला अस्पताल, डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए किया मेडिकल कॉलेज रेफर। शामली में कोतवाली पुलिस ने युवक को मारा थप्पड़, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अदालत से बाहर निकालने हुए मारे थप्पड़। बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या, हत्या कर सड़क किनारे फेंका शव, मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, वहीं हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्यारोपी के पैर में लगी गोली। लखनऊ में ठगी करने के मामले में 3 युवक गिरफ्तार, प्रतिबंधित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री कर रहे थे ठगी, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
गोंडा में चार निरीक्षकों के तबादले हटाए गए। कनलगंज और कोतवाली देहात के कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह और संतोष तिवारी बने नए प्रभारी निरीक्षक। आगरा के बल्केश्वर मार्केट में जमकर हुआ बवाल, वाहन खड़ा करने को लेकर दो दबंग पुलिस से भिड़े, दोनों ने पुलिस पर उठाया हाथ। श्रावस्ती में 60 वर्षीय बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने रौंदा, महादेव जगदीश की निवासी बुजुर्ग की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। जिले में दो सीओ के हुए तबादले, जिले में तीन इंस्पेक्टर्स के भी तबादले किए गए, किरण राज को महिला थाने का प्रभार दिया गया। कानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, दो शातिर बदमाशों एक घायल, दोनों के पैर में लगी गोली, बदमाशों का अस्पताल में क्या क्या भर्ती। लखनऊ में तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, मादक पदार्थों की करते थे तस्करी, गिरोह के दो सदस्यों को आगरा से किया गिरफ्तार। नाव में लाइफ चोरी, सीसीटीवी में कैद हो गई है, निजी अस्पताल में घुसकर अज्ञात एक महिला और पुरुष ने की चोरी, मरीजों के दो मोबाइल फोन और 25,000 की नकदी चोरी की है। बरेली में बीजेपी नेता को 5 साथियों के साथ किया गिरफ्तार, बीजेपी नेता ने फेसबुक पर सीएम योगी के खिलाफ की थी टिप्पणी, बीजेपी नेता ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की थी टिप्पणी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, इस बात की संभावना जताई जा रही थी, गाजियाबाद में भी 1 साल के बच्चों का पहला मामला सामने आया है। गाजियाबाद के सीएमओ एनके गुप्ता ने बताया कि बच्चों का जब कोविड-19 टेस्ट कराया गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, लिहाजा बच्चे को संतोष मेडिकल के अंदर बने पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया। सीतापुर में ड्रीम के आदेश पर नर्सिंग होम पर डायग्नोसिस सेंटरों पर की गई छापेमारी, इसके नर्सिंग होम एंड डायग्नोसिस सेंटर क्या क्या सीज। कानपुर में मंचलों पर नकेल कसने के लिए वीरांगना संस्थान ने ली पहल, महिलाओं संबंधित अपराध की शिकायत के लिए लगवाए पिंक बॉक्स। मिर्जापुर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, ट्रक डंपर की चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ट्रक के पार्ट काटकर बेचते थे। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट, मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, मारपीट का वीडियो वायरल। महाराज जिले में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप के बाद मारपीट शुरू हो गई थी। महाराजगंज के पुंदारपुर थाना क्षेत्र में पिछले महीने एक किन्नर के घर से चोरी किए हुए महीनों की घटना का खुलासा हो गया है, पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग के 2 सदस्यों को पंजाब और हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सोमवार को कानपुर पहुंचे, सांसद संजय सिंह ने कानपुर में सदस्यता जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। संजय सिंह ने मांग की कि जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधानी चुनाव रद्द किया जाए, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जानबूझकर मंदिर निर्माण में देरी कर रही है। संजय सिंह ने यूपी में आप सरकार बनने पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार का मॉडल लाने का वादा किया और फ्री बिजली पानी देने के साथ रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन दिया। आगरा में पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से 5,23,000 की लूट, सरेआम रिवॉल्वर के दम पर बदमाशों ने की लूट, पेट्रोल पंप पर बदमाश लूट को अंजाम देकर फरार। फरुखाबाद में खूनी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना, पिता ने अपनी ही बेटी की धारदार हथियार से की हत्या, बेटी की शादी के विवाद में पिता ने उठाया खौफनाक कदम।